ट्रंकल इधर दिखाओ। हाँ जी, अगर पंप है वाला 19 में 18 लीटर गिरेगा तो उसे ही बताएगा। ठीक। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। दोस्तों आज का जो ट्रैक्टर दिखाऊंगा बहुत ही एंटीक ट्रैक्टर दिखाऊंगा, मेड इन रशिया भाइयों। T25 है ट्रैक्टर का नाम और भाइयों 1972 मॉडल है, रशिया का बने हुए ट्रैक्टर थे जी ये। तो भाइयों इस किसान भाई के पास ये 1972 से ये ट्रैक्टर चल रहा है और आज भी बिल्कुल सारे काम इसी से करते हैं, चालू हालत में है। तो भाइयों क्या क्या है इसकी खासियत और किसान भाई से भी बात करवाऊंगा। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहना। अच्छा, तो ये नाम पता बताओ पहले आप। विनोद कुमार, गांव मुख्याली, जिला मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो विनोद अंकल कितने साल से है ट्रैक्टर आपके पास? 72 मॉडल है, 48 साल हुई। अच्छा, और आपका जन्म कब का जी? 73 का। तो जी आपसे एक साल बड़ा है ये ट्रैक्टर। बड़ा। तो जी कितनी खेती करते थे इससे पहले? 150 बीघा धरती बोते थे। अच्छा, अब भी जैसे अंकल जी इसकी इतनी बढ़िया कंडीशन है, सब कुछ है, इसका सामान वगैरह मिल जाता है जी? सब मिल जाए, दिल्ली से भी लाता मैं। ठीक है जी, तो दिल्ली से मिलता है जी? है। हाँ जी, यहाँ स्पेयर पार्ट वाले कम होने से लगते नहीं। ठीक है ठीक है। तो अंकल जी इसकी खासियत ये, एक तो इसमें रोटर पंप हो गया, देखो ये देखो जी पहले से ही रोटर पंप है दोस्तों, सिंगल प्लिंजर और दो न्यूजल है इसके अंदर, ये देखो मेड इन U77। हाँ जी हाँ। तो भाई ये पूरा पूरा रशियन ट्रैक्टर है जी ये, और सामने ये देखो जी तीन वेट लगे हुए। अंकल जी कितने कितने किलो की है ये? जी 70 किलो के दोनों। अच्छा ठीक है, ओरिजिनल है जी ये? हाँ जी ओरिजिनल है, लाइट भी ओरिजिनल है इसकी। ठीक है जी ठीक है, देख लो लाइट जल रही होगी। हाँ जी हाँ जी। तो भाइयों बहुत ही बढ़िया है, देखो एडजस्टेबल फ्रंट है और ये इंजन के लिए सपोर्ट है ना जी, जिससे कि अगर खींच का ये देखो जी कितना बढ़िया दोस्तों जी जी। और ये अंकल जी सूखा है, एयर क्लीनर है ना, सॉरी एयर कोल्ड इंजन है। और ये ऊंचा नीचा भी कर ले यहाँ से। ठीक है, कहाँ से जी? ऊंचा नीचा हो जाता है जी ट्रैक्टर है, पीछे से भी हो जाता है अंकल ऐसे ही? पीछे से तो ट्यूब घूम जाओ, ऊंचा हो जाओ। अच्छा अच्छा, ये देखो जी फ्रंट से भी ट्रैक्टर की हाइट बढ़ा सकते हैं भाइयों, आज के ट्रैक्टरों में भी ये टेक्नोलॉजी है नहीं। और जी कंपनी के मरगार्ड रखे इसके। ठीक है जी ठीक है, कंपनी के। तो आगे सामने फ्रंट पे टंकी है जी? हाँ टंकी है जी। खोलियो अंकल इसे, अंदर से देखते हैं इसे। 50 लीटर की टंकी है जी, और ये देखो कंपनी का ही गेज है। ये देखो भाई, ये देखो भाई शानदार चीजें, वाह जी वाह 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 वाह। जाली भी है इसके अंदर पित्तल की, वाह जी वाह। ये देखो दोस्तों एक एक लीटर अंकल जी इधर दिखाओ। हाँ जी, अगर पंप है वाला 19 में 18 लीटर गिरेगा तो उसे ही बताएगा। ठीक है जी ठीक, पूरा का पूरा। ये देखो कंपनी की जाली भी है। अच्छा अंकल जी इतना संभाल के कैसे रख रखा आपने? ये तो एक ही ट्रैक्टर का हीरा है जी। अच्छा अच्छा, नहीं देने का तो चलो एक, ये तो ये मानो कि आपके भाई जैसा ट्रैक्टर है ये, बुजुर्गों की पहचान है। ठीक है जी ठीक है। तो बिल्कुल आज भी अंकल जी पहले से सेल्फ स्टार्ट ही रख रखा आपने? ठीक है जी ठीक है। और जी ये देखो बोनेट भी कितना मजबूत है, सब कुछ बहुत बढ़िया है जी। और बढ़िया बात ये लगी जी कि अंकल जी आज भी ट्रैक्टर बढ़िया काम कर रहा। हाँ जी, हाइड्रोजी देखो। हाँ जी हाँ, ऊपर को भी इतना ही काम करो, नीचे को। अच्छा अंकल जी ऐसे पीटीओ पे लांड मशीन पे भी चला होता है इसे? लांड मशीन पे चला, खूब दब का 24 घंटे गर्मा वन था, कोई चक्कर नहीं था। ठीक है जी ठीक है। तो ये देखो दोस्तों गियर कितने हैं अंकल जी इसके? गियर 4 गियर है, फाइलो उतना ही है, पीछे को भाग जा हर गियर में। मतलब वो है जो सिंक्रो सेटल जुगाड़ कंपनी आज दे रही इसमें, जब से 1972 से पीछे को भाग जा कोई सा भी गियर। ठीक है जी ठीक है। और गियर कितने हैं जी वैसे? वह 4 गियर है जी इसमें, ये हाई लो का इसका। अच्छा जी, ये हाइड्रोलिक का सिस्टम जी जी, ये डम्फर का यहाँ पे पाइप बन जाएंगे। वाह जी वाह, ऑब्जरी वाल भी दोस्तों मौजूद है भाई ट्रैक्टर। हाँ क्यों क्या कह दूं बस। और जी ये वाल है इसकी, जाडो में हार्ड स्टार्टिंग है इसका, परली रेस है। ठीक है जी ठीक है। और ये दो लीवर कहेंगे? ये तो मैन गियर होगा, इससे इसमें आगे को चलेगा और पीछे को चलेगा। अच्छा, वो सिंक्रो सेटल हो गया जी। ये देखो भाई एक बार मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ ट्रैक्टर। भाई लंबाई भी काफी है, पर दोस्तों कमाल की बात है फीचर देखो आप, 1972 मॉडल के। ये हैंड ब्रेक है जी? ये जी पता नहीं कंपनी का ही, ट्रॉली व्रोली का कोई जुगाड़ था, अगर ट्रॉली में ब्रेक व्रेक सेट कराऊंगा। ओहो हो, ये ट्रॉली के ब्रेक है जी, जो ट्रॉली में ड्रम लगा के उसका ब्रेक लगाऊंगा। हाँ एयर प्रेशर है ना इसमें? हाँ हाँ। तो दोस्तों ये इसमें तो भाइयों मैं आज ट्रैक्टर बहुत देखे सारी
जिंदगी ट्रैक्टरों में निकल गई, पर इतना शानदार ट्रैक्टर मैंने भी आज पहली बार ही देखा है। ठीक है, डीजल खर्च भी कोई ज्यादा नहीं। दो सिलेंडर रूटर पंप है जी। जैसे अंकल जी, रूटर पंप का फिर काम कहाँ कराया आपने? ये तो मिस्त्री बांध दे सर। ठीक, हाथ से बन जाता है, मिस्त्री बांध दे। तो इसमें कोई मशीनी काम नहीं है बस? ना ना। ठीक है जी, देखो दोस्तों बनकर ट्रैक्टर की कितनी बढ़िया है, स्पोर्ट्स बूट। अच्छा अंकल जी, इस तरह आप हाइड्रोलिक कह रहे थे, नीचे टायर उठा के दिखाइए एक बार, नीचे को काम करती है भाई? दोनों तरफ को हाइड्रोलिक काम करती है इसकी। है जी, ऊंचे पे करके दिखाओ जी, कोई नहीं। तो भाई ऊंचे पे करके दिखाएंगे हमें, पर भाई ट्रैक्टर लाजवाब है। भाई वाकई में देखने लायक चीज है। सुना बहुत था दोस्तों इस ट्रैक्टर के बारे में, लेकिन आज देख भी लिया। हाइड्रोली नीचे काम कर रही जी है, देखो दोस्तों पूरा ट्रैक्टर टंग गया ये। अब अंकल जी आगे करके ना वो गियर लगा के दिखाओ, बैक वाला उतनी स्पीड आगे उतनी पीछे। बैक लगाओ अब, ये देखो दोस्तों सिंक्रो सेटल सिस्टम है। दोस्तों बैक की चाल, वाह जी वाह। तो अंकल जी, ऐसे आजकल के ट्रैक्टर है तो वो तो इसे बैक में नहीं मारने के बिल्कुल भी। ये देखो दोस्तों 30-32 की स्पीड आपने निकाल के रखी, जब सही जी, कमाल की बात है भाई। पूरा जी पूरा चलाओ अंकल जी, जुताई करो। तो भाई एक बार इसके परफॉर्मेंस भी देख लो, 9 खुरपों का टीलर है यार भाइयों। तो भाइयों मुझे ट्रैक्टर बहुत ही बढ़िया लगा, और दोस्तों एंटीक ट्रैक्टर मुझे अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों आपको ट्रैक्टर और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों अगर और किसी एंटीक ट्रैक्टर की वीडियो देखना हो तो आप लोग कमेंट में बता दियो, आपके लिए वीडियो बना देंगे। धन्यवाद जी।